हाँ मैं व्यापारी हूँ जी। आपसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ जैसे कि व्यापारी लोग अकेले पैसे कमाने का काम करते हैं, हाँ? तो आज 15 अगस्त आप बताएंगे कुछ की देशभक्ति आप किस तरीके से शो कर सकते हैं? हम व्यापारी हैं, देश की ज्यादातर नौकरियां हम ही से तो हैं। एक मिनट नंबर अम्बानी क्या IIIT भागलपुर के थर्ड ईयर का रिक्रूटमेंट करने तू भागलपुर आ रहा है? नहीं, मैं यही से सबको रिक्रूट करूंगा। साला कंपटीशन ही बढ़ गया। बात तो सही। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, देश की ज्यादातर नौकरियां हम ही से तो हैं। हम ईमानदारी से काम करके देश का GDP और इकोनॉमी को मजबूत करते हैं। और हाँ, हमें भले ही ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि हम बॉर्डर पे जाके सैनिकों की तरह अपनी वीरता का प्रदर्शन करके अपने देश को ही सुरक्षा कर पाए, पर हाँ हम ईमानदार प्रयास करते हैं ताकि हम देश की इकोनॉमी को किसी के सामने झुकने ना दें। आप सभी को याद होगा वो 2008 का दौर जब भारत एक इकोनॉमिक डिप में था, तब हम ही जैसे व्यापारियों की वजह से वो उसका सामना करने में अग्रीण था। अंत में बस यही कहना चाहूंगा, भारत को भा में रथ बनाने के लिए बस सरस्वती यानी टीचर्स का ही काम नहीं, बल्कि लक्ष्मी जो कि हम जैसे व्यापारियों से उपस्थित होती है उसका भी पूर्ण योग है। जी जी, आज समझ में आया व्यापारी भी देशभक्त होते हैं। अरे 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 DM साहब, यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचे मिलते चले आपसे। अरे बिना नमन, तुम इनको जानते हो कि नहीं? नहीं, मैं मिला ही नहीं इनसे, पहली बार मिल रहा हूँ। अरे ये हमारे जिले के DM है। DM जी, आप तो DM है? हाँ हाँ, हम DM है। रुको नमन, एक कॉल आ रहा है ना, मैं आता हूँ। इससे मतलब क्या होता है जी DM का? DM आपके शहर में बिजली पानी पहुँचाने का काम करता है कौन? मैं। आपके शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है कौन? मैं। आपके शहर में यदि धारा 144 लागू हो जाए तो भी शांति बनाए रखता है कौन? यदि आपके शहर में CDO चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर का काम करता है कौन? आपके शहर में पब्लिक फंड मैनेज करने का काम करता है कौन? तो अब आप समझे DM का क्या रोल होता है। जी बात तो आप बहुत सही बोल रही हैं। तो अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं पेट्रियटिज्म के बारे में तो चलिए मेरे साथ। आज मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ जहाँ सारे एनवायरमेंटलिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन और एक्टर्स आने वाले हैं, तो आप चलिए मेरे साथ। चलिए चलिए, बिल्कुल चलिए। मैं गौरव, नाम तो सुना ही होगा, करोड़ों फैंस हैं मेरे, आप सब भी तो हो ना। आप एक्टर्स अपनी एक्टिंग के थ्रू सबको मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और ये देखते हैं कि सब अपने लक्ष्य पर डटे रहें। मूवीज जैसे कि पैडमैन, टॉयलेट आपने देखी होगी सबने, ने समाज की उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया है जिनके बारे में हम बातचीत करने से भी कतराते हैं। मूवी दंगल जिसने पूरी दुनिया में नाम कमाया, इतना प्यार कमाया, वो भी एक सोशल मैसेज वुमेन एम्पावरमेंट पे थी। बल्कि आजकल देखा जाए तो ज़्यादातर मूवी समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए ही बनती है। मैं एक्टर होने के नाते अपनी एक्टिंग से युवा पीढ़ी को एक सही डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस करता हूँ ताकि वो इंडिया का ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सके। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे भी मैं ऐसी ही मूवीज बनाता रहूँगा और ऐसे ही सबको इन्फ्लुएंस करता रहूँगा। धन्यवाद, अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद सर। सर
जय हिंद जय हिंद। सो सर, आजकल सभी लोग पेट्रियोटिज्म के ऊपर बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं। हम स्पोर्ट्स पर्सन भी पेट्रियोटिक होते हैं, देशभक्त होते हैं। बताइए कैसे होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन देशभक्त? कैसी बात करते हैं सर, अपने देश के तिरंगे को दूसरे देश में जाके लहरा कर आता है कौन? हम स्पोर्ट्स पर्सन, हम स्पोर्ट्स पर्सन अपने देश के लिए इतनी सारी कुर्बानियां देते हैं। इस एग्जांपल ले लेते हैं, सचिन तेंदुलकर को तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 23 मई 1999 को एक मैच था, उस मैच से एक दिन पहले उनके पिता की डेथ हुई थी, फिर भी वो अगले मैच में उपस्थित थे। किसके लिए? अपने देश के लिए। और आप पूछते हैं कि देशभक्त कैसे हैं? हीमा दास, MS धोनी, विजेंद्र सिंह, फौजा सिंह और भी कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो कि अपने देश के सम्मान के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि अपने देश में खेलों के विश्व रिकॉर्ड धारक तो हैं ही, लेकिन खेलों के भगवान और मेजर भी यहीं पर हैं। ये मच्छर और ये मक्खियाँ तोड़ेंगे अंते तितलियाँ और झीलों के किनारों पे नाचेंगे हस्ती मछली। कैसे हैं आप? हाँ बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। सर मैं एक इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ और हमने एक आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा है, तो मैं आपको उसमें निमंत्रित करना चाहता हूँ। अच्छा, आप बताइए कि आपने 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना इस कार्यक्रम के लिए? सर क्योंकि हम इन्वायरमेंटलिस्ट भी देशभक्त होते हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट आर पैट्रियट्स बाय हार्ट। इंडिया इज अ मेगा डायवर्सिटी कंट्री एंड अकाउंट फॉर 7.8% ऑफ ऑल द रिकॉर्डेड स्पीशीज इन द वर्ल्ड। हमारा देश 90,000 से भी अधिक फौना स्पीसीज और 45,000 से भी ज़्यादा फ्लोरा स्पीसीज का पोषक है, और हम ही इंश्योर करते हैं कि उन सारी स्पीसीज को उनका फेवरेबल हैबिटेट मिल सके। हमने ही देश की टाइगर पॉपुलेशन जो कि 2006 में ओनली 1400 थी, उसे 2018 तक अराउंड 3000 यानी कि डबल से भी ज़्यादा करके दिखाया। ऐसे ही सुंदरलाल बहुगुड़ा और सुनीता नारायण जैसे कई देशभक्तों ने अपने देश प्रेम का प्रमाण दिया। मनोज गोगोई एक आम भारतीय ने अपने जीवन के 12 अमूल्य वर्ष देकर काजीरंगा के 5000 से भी अधिक जानवरों की जान बचाई। हम देश पर आ सकने वाली प्राकृतिक समस्याओं पर चिंतन करते हैं और उनका समाधान निकालते हैं। हमने ही द चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन और रैली फॉर रिवर जैसे कई इनिशिएटिव्स लिए और उनके अंदर से अपने वन एवं नदियों को पुनः जीवनदान दिया। हम देश के एग्जिस्टिंग नेचुरल प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं, और सबसे जरूरी बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और आप जैसे कॉमन इंडियन सिटीजन्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो देश की रक्षा कर सके और हमारा देश हरा भरा और खुशहाल रहे। हमारा देश तो अंग्रेजों से आज ही के दिन 72 साल पहले आज़ाद हो चुका था, पर हम इन्वायरमेंटलिस्ट ने ये कसम खाई है कि हम इस देश को प्रदूषण से भी आज़ाद करके रहेंगे। तो सर आज हमारे साथ चलिए आप और कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। चलिए चलिए, नेक काम में देरी कैसी। अरे यार ये किसका फोन आ गया? हेलो। हाँ नहीं यार, TRP नहीं आई इन सब चीजों पे। यार हम लोग कुछ विकास को ढूंढते हैं, मतलब विकास को खोजते हैं, मतलब यही सब तो देखे केवल जनता बोलती है TRP। अच्छा रुकिएगा, कोई आ रहा है मुझसे मिलने। अरे अरे वाजपेयी जी। अरे हाँ जी बताइए, आज क्या दिखा रहे हैं आप न्यूज में? 2 मिनट रुकिएगा, अभी हम आपको दिखाते हैं। जी जी ठीक है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भागलपुर टाइम्स में। मैं आपका होस्ट आकाश वाजपेयी। आज हिंदुस्तान अपने 73वें इंडिपेंडेंस डे को मना रहा है। इस हर्षोल्लास के मौके पे आज का दिन उन सभी जवानों को शहीद जो हुए हैं 1947 में उनको समर्पित है। इसी बीच में हम लोग एक शो लाए हैं जिसका नाम है जनता की रिपोर्ट। इस शो में हमारे साथ दो नेता लोग मौजूद रहेंगे। पहले नेता हैं सपना दल के गोपेश कृष्ण यादव। और विपक्षी पार्टी के नेता इक्षित अग्रवाल। तो गोपेश जी, आप सरकार की नीतियों को कैसे देखते हैं? हमने क्या कुछ नहीं किया है जनता के लिए, हमने जनता के हर सपनों को पूरा किया है जो उन्होंने देखे हैं, और हमने देश के लिए काफी हम फैसले लिए हैं, और हम तत्पर हैं कि हम ऐसे फैसले लेते रहेंगे।
गोपेश जी, ये सब केवल कहने की बातचीत है, सच्चाई तो ये है केवल और केवल आप आज ही के दिन तो केवल नजर आते हैं। अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हमारे ऊपर देश की काफी जिम्मेदारियां होती हैं। अरे गोपेश जी, मजाक करने की भी हद होती है। अरे अरे अरे, अरे, अरे सुप रहिए। तो मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते आप सरकार की नीतियों को कैसे देखते हैं? इनका नाम ही सपना दल है, ये सिर्फ सपने दिखाने का काम करते हैं। हमें देखिए, हम सबको साथ लेके चलते हैं क्योंकि हम जानते हैं जनता से ही देश बनता है, जनता आगे बढ़ेगी तभी देश की उन्नति हो सकती है। हमने सरकार की हर उस नीति का विरोध किया है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी। नहीं नहीं, बोले बोले। लेकिन एक बात मैं डंकी की चोट पे कह सकता हूँ, आएगा तो सबका दल ही। अरे अगर आप सबको साथ में लेके चलते ना तो हमारी जरूरत ही नहीं। कौन सा आपकी जरूरत है देश में नेताजी? अरे आप इन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं है, आप इन्हें रोकते क्यों नहीं है? अरे अगर हमें बुलाना ही था तो। अरे आप शांत रहिए ना, इतना कैसे आप बोल देते हैं कुछ भी? हाँ, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। टीआरपी। अरे आपको तो सिर्फ टीआरपी करते रहते हैं, आपको देश से तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो देखो, देश की बात कौन कर रहा है, जिसने देश के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। अब आप हमें सिखाएंगे तो और कौन सिखाएगा? टीआरपी तो बस केवल एक बहाना है, हमें तो सरकार की असलियत आप तक पहुंचाना है, क्योंकि जब तक सरकार है तभी हम लोग हैं, तब तक हम ही लोग ऐसे चलते रहेंगे। शुक्रिया, जय हिंद। इसी बीच हम लोग से जुड़ रहे हैं सरहद पर से कमांडर हर्ष अग्रवाल, आइए उनसे मिलते हैं। जय हिंद आकाश जी, कैसे हैं? हमारे देशवासियों और नेताओं को जय हिंद। जय हिंद, स्वतंत्रता दिवस की बधाई हो आप लोगों को। आपको भी। आज हम जवान हमेशा दिन रात ड्यूटी करते हैं, अपने बॉर्डर पे हम लोग इस वजह से खड़े रहते हैं जिससे आप लोगों पे कोई आज ना आए। हम तीनों मोर्चों, जल थल या हो नभ, डट कर खड़े रहते हैं, दुश्मन को देश से दूर रखते हैं ताकि वो शहरों में गाँव में फसलों को नुकसान ना पहुँचा सके। हम जब तक हैं आज तभी दुनिया की चौथी पावर बन पाए हैं और इसको और ताकतवर से बढ़ाते रहते हैं। कोई युद्ध हो, कोई दुर्घटना या हो कोई आपदा, हर जगह संकट मोचक बनके हम ही तो आते हैं और हर वक्त जनता के लिए विश्वास को बनाए भी रखते हैं। जोश की बात हो तो हमसे ज्यादा जोशीला किसको मान जाता है, तो बताइए आकाश जी, हाउ द जोश? हाय सर। इसके साथ ही जय हिंद। जय हिंद। इसी तरह सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए भागलपुर न्यूज़। शुक्रिया।